हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी इन दिनों रायबरेली में बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ राधिका खेड़ा जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। मैम, आप रायबरेली में प्रचार कर रही हैं बीजेपी का, क्या लग रहा है कि रायबरेली में बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है? देखिए, चुनौती का सामना तो कांग्रेस पार्टी करेगी, राहुल गांधी करेंगे। जिस तरीके से अमेठी की जनता ने उनको निर्णायक नतीजा दिया था पिछले चुनाव में, वही नतीजा उनको रायबरेली में भी मिलेगा। अमेठी को छोड़ के जैसे वो भागे थे और भगौड़े बने हैं, अब रायबरेली से भी उनको भगौड़ा बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सौतेला व्यवहार गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया है तो वो रायबरेली और अमेठी की जनता के साथ किया है, जिन्होंने लगातार उनको जिता के लेकर आए, यहाँ तक लेकर आए। और जब डेवलपमेंट की बात आई, जब क्षेत्र को आगे ले जाने की बात आई, तो रायबरेली और अमेठी को हमेशा से पीछे रखा गया। वो हमेशा से चाहते थे, गांधी परिवार चाहता था कि वहाँ के लोग हमेशा उनके पैरों पे ही बैठे रहे, उनसे भीख मांगते रहें डेवलपमेंट के लिए। और दिल्ली, यहाँ के लोग अपने सांसद से मिल नहीं पाते थे, दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन इस बार फिर जैसे अमेठी को एक सांसद मिली जो उनके बीच में रहती हैं, उनके सुख दुख में खड़ी होती हैं, उसी तरीके से रायबरेली को भी एक सांसद, नॉन कांग्रेस नॉन गांधी सांसद मिलेगा, जो उनके बीच में उनके हर सुख दुख में रहेगा, और रायबरेली की जनता ने तय कर लिया। एक तरफ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इन सबका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे लीडर से लेकर बड़े से बड़े नेता आज हर जगह हर प्रचार में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सब एक बराबर होता है। लेकिन वहीं आप देखें तो कांग्रेस ने किसको भेजा है? कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के चमचे भूपेश बघेल को यहाँ भेजा हुआ है, और वो कहाँ का पैसा लेकर आया है? रायबरेली की पावन धरा में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ का आया है? कोयला खनन का छत्तीसगढ़ का पैसा, सबसे ज़्यादा शराब घोटाले का पैसा, महादेव ऐप का पैसा, यहाँ की पावन धरा को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल। और यहाँ की जनता इसीलिए उनको निर्णायक जवाब देगी, क्योंकि इतने दूषित पैसे की जगह उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है, राम जी की धरती पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। और राम जी का अपमान करने वाले लोग यहाँ पे आके वोट मांग रहे हैं, जहाँ की जनता जवाब देगी। लेकिन ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, बीते कई दशकों तक कांग्रेस की संरक्षक सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही हैं, ऐसे में क्या लगता है कि कुछ नाराजगी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी है, उसका कितना असर होगा? देखिए, सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी को अब कमान दे दी है, मैंने जैसा कहा कि लगातार रायबरेली की जनता, मेथी की जनता गांधी परिवार को जिताती है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में उन्हें दिल्ली आना पड़ता है काम के लिए, बदले में उनको भीख मांगनी पड़ती है, एडमिशन हो, बीमारी हो, किसी चीज़ का काम हो, सड़क हो, जो रायबरेली और अमेठी दिल्ली के मुकाबले के होने चाहिए थे, क्योंकि गांधी परिवार वहाँ से सांसद है, वो आज कितने पीछे हैं ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो रायबरेली की जनता इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाली, हर बार सोनिया जी को जिता देती थी कदर रख के कि वो उनके पूरा परिवार वहाँ से रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेठी का साथ छोड़ा, जब एक बार उनको वोट नहीं मिला, वो प्रदेश की जनता ने पिछले 5 साल में देखा। और अमेठी और रायबरेली बिल्कुल बगल में है, और किस किस को धोखा देंगे? क्या राहुल गांधी केरल को धोखा देंगे? अमेठी को तो दे ही चुके हैं, क्या केरल को देंगे कि रायबरेली को देंगे? अगर उनको इतना ही रायबरेली से प्रेम था, और रायबरेली की जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि अगर हम आपके इतने ही, आपको हमसे इतना स्नेह था और आप हमारे बारे में इतना सोचते, तो आप केरल से जाके चुनाव क्यों लड़े? एक ही सीट से चुनाव लड़ते ना राहुल गांधी, रायबरेली से क्यों भागे, क्यों वापस अमेठी नहीं गए, क्यों केरल गए? तो यदि उनको खुद ही नहीं विश्वास है और वो खुद ही मानते हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं, ये तो बस परिवार किसी और को सीट देना नहीं चाह रहा था, और जो आपसी अंतर्कलह चल रहा है, प्रियंका गांधी को सीट नहीं देनी, किसको सीट देनी है, उसके चलते ये सब हो रहा है, वरना उन्होंने तो खुद ही रायबरेली का हाथ छोड़ दिया था और केरल का हाथ थामा हुआ है, तो आज किस मुंह से यहाँ से टिकट मांग वोट मांग रहे हैं? आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं चुनाव लड़े? अंतर्कलह है दोनों भाई बीच बहन के बीच की, जो आज सामने आ गई है, और इसीलिए प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ना जीते, कि एक ना जीते। देखिए, इतना झगड़ा है वो आज खुल के सामने आ रहा है, जो प्रियंका गांधी जैसे ये लोग कहते हैं इतना काम करी है, इतना काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्यों नहीं उनको टिकट दी? रायबरेली भी तो अपनी माता जी के लिए वही संभालती थी, तो आज उनको क्यों नहीं दी? और राहुल गांधी तो स्वयं केरल से सांसद है और दल भी केरल से रहे, तो क्यों आज वो रायबरेली में आ रहे हैं? लेकिन प्रियंका जी तो लगातार राहुल जी के समर्थन में रैलियां कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं।
देखिए, जब आप एक ऐसे आदमी को लेकर आते हैं जो भ्रष्टाचारी है, और देखिए ना किसको प्रियंका गांधी ने यहाँ पे सारी कमान दी है चुनाव की, जो अपना छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी का सबसे बुरा नतीजा अगर किसी के कार्यकाल में रहा है तो भूपेश बघेल के रहा है छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन किसी महासचिव के द्वारा, इंचार्ज के द्वारा रहा है, तो वो प्रियंका गांधी के द्वारा है। देखिए कौन चला रहे हैं पार्टी को, जो लोग उत्तर प्रदेश को भी फेल कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ को चुनाव जीत नहीं सकते, और वो आज भ्रष्टाचार का पैसा लेकर पावन धरा में रायबरेली के आए। रायबरेली की जनता जवाब देगी, वो अभी भी, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, जब हम जाते हैं रायबरेली में, जनता पूछ रही है कि अगर हमारे ही हितैषी थे और हमारे बारे में सोचते हैं तो क्यों राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, ये थी बीजेपी नेता राधिका खेड़ा, जिनका साफ कहना है कि भले ही कांग्रेस ये दावा कर रही हो कि उसकी एक बार फिर रायबरेली में ऐतिहासिक जीत होगी, लेकिन हकीकत यही है कि अमेठी की तर्ज पर इस बार रायबरेली में भी राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ेगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।